नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। और जिस प्रकार से भागती दौड़ती जिंदगी और अत्याधुनिक संसाधनों के साथ में तनावग्रस्त हमारी दिनचर्या हो रही है, उसके साथ जुड़े हैं बहुत सारे रोग, और वे रोग मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकते हैं। और उन्हीं रोगों का उपचार करने के लिए मैं आपके साथ में बहुत सारी योग की पद्धति और पद्धति के साथ में बहुत सारे ऐसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंदों की सीरीज ला रहा हूँ, जिससे कि हम एक दिनचर्या जिएंगे, जिससे कि हम बहुत ही खुशहाल और आनंद में जीवन यापन कर सकें। इस श्रृंखला का जो पहला चरण है, उस चरण में हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में। थायराइड जो हमारे शरीर में एक ग्लैंड का रोग है, थायराइड के उपचार की बहुत सारी पद्धति हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट इसमें दिए जाते हैं, लेकिन योग से सरल उपचार हम इसका कर सकते हैं। योग के माध्यम में हम अपनी दिनचर्या को सही करेंगे और साथ के साथ आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर और मस्तिष्क को मजबूत करेंगे। आइए हम करते हैं थायराइड अभ्यास, थायराइड बीमारी के लिए किए जाने वाले अभ्यास। और उन अभ्यासों में सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ जो कि एक पेड़ के साथ में लिया गया नाम है, ताड़ बहुत लंबा पेड़ होता है। अगर पहाड़ के क्षेत्र में जाएंगे तो ये सबसे लंबा और सुदृढ़ पेड़, मजबूत पेड़ कहलाया जाता है। इसके अभ्यास में हम दोनों पैरों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रखें कि दो या तीन उंगली की दूरी हम दोनों पैरों के पंजे के बीच में बनाएंगे। घुटने हमारे सीधे होने चाहिए, दोनों उंगलिकाओं को एक दूसरे के अंदर फंसाना है, कोहनी सीधी हो जाए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और ताने। हम एड़ी ऊपर उठाते जाएं और बैलेंस बनाएं। सामने किसी बिंदु को देखने पर हम बहुत अच्छा बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि तब हमारी इंद्रियाएं हमारे कंट्रोल में रहती हैं। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम आसन से वापस आ जाएं। आसन से जब हम वापस आ रहे हैं तो हमने करना है प्रतिदिन शैथिल्याम, मतलब कि आसन की थकान को दूर करने के लिए किए जाने वाला आसन। दोनों पैरों की दूरी बनाकर दोनों हाथों को बांधें, सर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें और गहरी श्वासें रखें। यह जो ताड़ासन करते हैं, यह हमारे शरीर पर इस प्रकार के प्रभाव डालता है कि हमारी सभी मांसपेशिकाएँ फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, स्ट्रेंथी हो जाती हैं और ताड़, जैसे कि हम कहते हैं कि मजबूत हो जाती हैं। अगले अभ्यास के लिए हम करते हैं मृणाल आसन। मृणाल हम कहते हैं कमल के फूल को, कमल के फूल की तरह लहराना मृणाल आसन कहलाया जाता है। दोनों पैरों की दूरी बहुत कम हो जाएगी, 2 या 3 फिंगर डिस्टेंस बिटवीन बोथ योर फीट। इंटरलॉक योर फिंगर्स, रेज योर आर्म्स अपवर्ड, दोनों हाथों को ऊंचा उठाना है। सांस भरते हुए हम एक ओर मुड़ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। गलतियां इस प्रकार से करते हैं कुछ साधक कि एक ओर जा रहे हैं तो अपना हिप बाहर निकाल लेते हैं या घुटनों को मोड़ देते हैं। इस प्रकार के आसन से बचें कि इस प्रकार के अभ्यास हमें और बीमारियों को दावत देते हैं। तो एक ओर जब हम जा रहे हैं, हम कम जाएं, कम बैंड करें, लेकिन हमारे घुटने सीधे होने चाहिए, हमारी कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए हम दूसरी ओर जाएं, यथासंभव रुकें 3 से 4 सेकेंड और वापस आ जाएं। ध्यान रहे, अगर हम दाईं ओर जा रहे हैं तो हमें बाईं ओर भी जाना बहुत ज़रूरी है और उतने ही समय में हमने रुकना भी है। आसनों का प्रभाव हम तभी देख सकते हैं जब हम आसन को पूरे मनोयोग से करें, मतलब मन से करें। ऐसा ना हो कि हम आसन कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और अपने ऑफिस के वर्क में लगा हो। नहीं, जब हम आसन को पूरे मनोयोग के साथ में करते हैं तो आसन के पूर्ण लाभ उठाते हैं। यह था मृणाल आसन, जिसके लाभ कुछ ऐसे हैं कि हमारी बराबर साइड मसल्स को फ्लेक्सिबल करने में सहायक, और जैसे कि हम एक और साइड बैंड करते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेने का आकार बढ़ जाता है, और ये आसन हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में बहुत सहायक है। इसी अभ्यास चक्र में हम करते हैं अगला आसन। अगला आसन है हमारा अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हम दोनों पैरों की थोड़ी दूरी बनाकर रखें, दोनों हाथों की हथेलिकाएं पीठ के सबसे नीचे के हिस्से पर आ जाएं। श्वास भरते हुए हम पीछे की ओर मुड़ें और श्वास छोड़ते हुए हम वापस आ जाएं। फिर से देखें, श्वास भरते जाएं और पीछे की ओर बैंड होना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ध्यान रखें, जब हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो हमारे घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए। होता है ऐसा कि जब हम जाते हैं तो
प्रशिक्षित टीचर के अनदेखी में हम इस प्रकार के कुछ आसन ले लेते हैं कि एक बीमारी सही करने गए लेकिन चार बीमारी आपस में लग गई हैं। तो क्या करना है, घुटनों को सीधा रखें, मोड़ कर ना रखें, और जब हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो सर को पीछे लटकाना है। लेकिन सर्वाइकल वाले पेशेंट ध्यान रहे कि उनको ज़्यादा पीछे स्ट्रेन नहीं देना है, अदरवाइज हमारे पेन क्रिएट हो जाएंगे सर्वाइकल के। और साथ के साथ ये आसन हमारे चेस्ट पोर्शन को स्प्रेड करता है, इसका मतलब यह हमारे अस्थमेटिक जो बीमारी है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। लेकिन जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो ये हमारे थ्रोट रीजन पर, ये देख पा रहे हैं जैसे कि हम पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारा थ्रोट रीजन स्ट्रेच होता है और जिससे कि हमारे थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, वहाँ पर हार्मोन का स्राव बैलेंस होता है। अगले आसन में हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हमने बैठना है और बैठना है हमने वज्रासन में। वज्र जिसको कि इंद्र का हथियार भी कहा गया है, वज्र जो सबसे मजबूत होता है। वज्र हमारे शरीर के अंदर एक नाड़ी होती है जो हमारे पूरे शरीर को मजबूत बनाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करती है। वज्रासन में बैठने के लिए हमने अपनी एड़ी के बीच के हिस्से पर बैठना है। यहाँ पर बहुत सारे साधक गलती करते हैं, कहते हैं कि सर जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी एड़ी पंजों में दर्द होने लगता है। अगर हम सही प्रकार से बैठेंगे नहीं तो दर्द तो क्रिएट होगा ही। देखें, वज्रासन में बैठने के लिए हम इस प्रकार से ध्यान दें कि ये है हमारी गलत स्थिति कि एड़ी के ऊपर ही बैठ जाना, जबकि हमने दोनों एड़ी को बाहर निकालना है और जो हमारे आर्च का एरिया है उस पर हमने अपने नितंब को रखना है। इस प्रकार से हमने सीधे बैठना, ये है वज्रासन कहलाता है। वज्रासन से हम जाएंगे उष्ट्रासन में। उष्ट्र कहते हैं ऊँट को, और ऊँट की उभरी हुई पीठ तो आपने देखी ही होगी, तो उस प्रकार का आसन हम उष्ट्रासन कहते हैं। उष्ट्रासन के बहुत सारे लाभ हैं लेकिन उनमें एक लाभ है थायराइड को क्योर करना। किस प्रकार से करें, सीधे बैठ जाएं और घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों एड़ी के बीच में थोड़ी जगह बना लें। सांस भरते हुए हम एक हाथ को पीछे ले जाएं और एड़ी पर टिका दें, और श्वास भरते हुए हम दूसरा हाथ भी ले जाएं और एड़ी पर टिका दें। ध्यान रहे, हम सर को पीछे ले जाएंगे लेकिन सर्वाइकल वाले अगर पेशेंट हैं तो सर को पूरा पीछे तक ना लटकाएं, हम बीच में रखें जिससे कि हमारे नेक पर स्ट्रेन ना आए। फिर देखें कि हम जब उष्ट्रासन कर रहे हों तो हमारा नितंब भाग, हम कह सकते हैं हमारा जो ग्लूटस मैक्सिमस का हिस्सा है वो आगे की ओर पुश होना चाहिए, जिससे कि हमारा चेस्ट जो पोर्शन है वह ज़्यादा उभरे और साथ के साथ ज़्यादा एक्सपेंड हो। सर को पीछे लटका कर रखें जो स्वस्थ है, गहरी श्वास लेते रहें, गहरी श्वास छोड़ते रहें यथासंभव, जब तक आप रोक पाएं रोकें। सर को उठाएं, एक हाथ वापस लाएं, दूसरा हाथ भी वापस लाएं, दोनों को सीधा रखें, वज्रासन में बैठ जाएं। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आसन तो हम सही कर लेते हैं, जाने का तरीका और आने का तरीका भी सही होता है, लेकिन एक आसन जो हम पीछे की ओर बैक बेंडिंग के साथ में कर रहे हैं बहुत ज़रूरी बन जाता है कि उसमें आगे की ओर झुका जाए। जैसे कि मैं पीछे जा रहा था उस आसन में तो मेरी बैक में थोड़ा सा तनाव आया है, उसको रिलीज़ करने के लिए मैं करूँगा गुरु प्रणाम। गुरु प्रणाम हमारे अहंकार को दूर करता है, साथ के साथ गुरु प्रणाम से हमारे शरीर की जो तनाव है, जो स्टिफनेस है, वह दूर हो जाती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और सामान्य हो जाए। इसी श्रेणी में हम करेंगे वक्रासन। वक्र, आपने गणित तो पढ़ा ही होगा और गणित पढ़ने में हम देखे हैं ग्राफ, और वो ग्राफ ही वक्र कहलाता है। तो अपने शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए कि एक वक्र बन जाए, यह है वक्र की स्थिति, बहुत से रोगों में काम आती है। जब हम एक आसन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक रोग पर काम नहीं करता है, वह अनेक रोग पर काम करता है। देखें, सबसे पहले वक्रासन के लिए दंड स्थिति में आ जाए। दंड स्थिति में आने के लिए हम पैर से स्टार्ट करेंगे और हमने सर तक आना है। सबसे पहले देखें, हमारे एड़ी पंजे सीधे होने चाहिए, हमारे घुटने सीधे रहें और हमारी बैक की स्थिति बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दंड कहते हैं डंडे को, डंडे के जैसी। वक्रासन में हमने अपने राइट लेग को फोल्ड करना है, जिसको हम दायां पैर कहते हैं। दाएं पैर को फोल्ड करने पर हमने बाएं हाथ की हथेली से दाएं घुटने को पकड़ लेना है। पकड़ने के पश्चात हमने दाएं हाथ से, मतलब कि राइट हैंड से,
इस प्रकार बैलेंस बनाना है कि वह पीछे पीठ के बराबर में रखे और हमने पूरी बैक को ट्विस्ट कर देना है। जहाँ तक हम पीछे जा पाते हैं वहाँ तक जाएं, गहरी गहरी श्वास लें और छोड़ें, और ध्यान रहे कि यह लेग का जो हमारा थाई पोर्शन है हमारे पेट को दबाए, यह डायबिटीज़ के लिए आसन बन जाता है, लेकिन हम कर रहे हैं थायराइड के लिए। थायराइड के करने के लिए हमने अपनी दृष्टि को जितना पीछे देखें, अपनी नेक को जितना हम ट्विस्ट करें उतना हमारे लिए लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पैर को सीधा रखें। उसी प्रकार से हमने दूसरे लेग से ही आसन करना है। हमने लेफ्ट लेग फोल्ड किया, राइट हैंड से पकड़ा है और हमारा लेफ्ट हैंड पीछे रहे बैलेंस के लिए, और धीरे 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 हम अपनी बैक को ट्विस्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड, और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अगर हम एक ओर से अभ्यास करते हैं एक लेग से, तो दूसरी ओर से करना अति आवश्यक बन जाता है। थायराइड की इसी सीरीज़ में हम लेटने वाले आसन करते हैं, और लेटने के वाले आसनों में हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य मतलब मछली का एक रूप। आपने भगवान का मत्स्य अवतार तो सुना ही होगा। मत्स्य जब हम मछली हम बन जाते हैं तो हमारे बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। जैसे मछली तैरती है, सबसे मुख्य लाभ इसका होता है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, फ्लोटिंग करना। तो हमारे बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो हमारी बैक की स्टिफनेस के हैं, वह दूर हो जाते हैं। साथ के साथ यह मत्स्य आसन हमारे मानसिक तनाव को तो दूर करता ही करता है, और साथ में हमारी थायराइड ग्लैंड को भी संतुलित करता है। मतलब इसमें थायरोक्सिन के रिसाव को बैलेंस करता है। मत्स्य आसन के लिए हमने पहले लेट जाना है। ध्यान दें, जब हम लेट रहे हैं, अगर आपको कोई बैक इशू है तो सीधे ना लेटें। हम एक करवट जाएं और धीरे धीरे लेट जाएं, और उसके बाद हमने पीठ के बल आना है। पीठ के बल आने पर हमने दोनों पैरों के पंजों को आगे की ओर ताना है। पैर के अंगूठे मिले होने चाहिए, फिंगर्स भी आगे खींची होनी चाहिए, घुटने सीधे हों। और यहाँ पर हम ध्यान रखें कि ये आसन हमारे अपर बॉडी के लिए बहुत लाभकारी है, तो हमने लगाना है मूल बंद। हमने नाभि से नीचे के रीजन को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। दोनों हाथ की हथेलिकाओं की सहायता से हमने अपर बॉडी को ऊपर उठाना और सर को पीछे लटका देना। ध्यान रहे, हमारा सर का बीच का हिस्सा मैट पर टिका होना चाहिए। जब धीरे धीरे वापस आ जाएं, तब हम अपने आप को ढीला छोड़ देंगे। वह स्थिति जब हम सर को पीछे टिकाए हुए हैं, उस स्थिति में हमने आंखें बंद रखनी है। साथ के साथ हमने जितना काम हो सकते हैं काम रहना है। बहुत सारे थॉट्स जो हमारे माइंड में आसन करते समय चलते रहते हैं, उनको बंद कर देना है। मनोयोग के साथ में अभ्यास करने पर हम पूर्ण लाभ उठाएंगे। जब हम उठने की स्थिति में आएं तो एक करवट आ जाएं, और एक करवट के साथ में ही हम बैठें। रोगों को दावत ना दें, गलत अभ्यास हमारे रोग बढ़ा सकता है। जब हम योग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा पूरा लाभ हो, हानि ना हो, तो उसके लिए सावधानी और आसन में किए जाने वाले ध्यान को पूरी तरीके से समझें। हम जीवन में नियमों के साथ में चलते हैं। नियम हमारे सफलता का कारण बन जाते हैं। ऐसे ही हम योग के अभ्यास में भी नियम लगाते हैं। किस सीक्वेंस में कौन से आसन होने चाहिए, ये हमें याद रखने हैं। हमने सबसे पहले ताड़ासन लिया, जो कि हमारे पूरे शरीर के तनाव को दूर करेगा। हमने मृणाल आसन लिया, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करेगा। हमने अर्धचक्रासन लिया, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के रिसाव को स्टिमुलेट करेगा। फिर हमने बैठने वाले आसनों में लिया है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारे थायराइड के जो रीज़न है उस रीज़न को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ के साथ ये हमारे शरीर के तनाव को भी दूर करता है। हम लेते हैं उसके बाद में गुरु प्रणाम, जो कि उसका काउंटर पोज है, जो हमारे शरीर की थकान को दूर करता है। और मत्स्य आसन, जो मछली का रूप है, वह आसन हमारे पूरे शरीर के अंदर बैलेंस बनाता है, स्ट्रेंथ बनाता है और थायराइड ग्लैंड को भी मजबूत करता है। यही एक सीक्वेंस होगी जो कि आसन करने की होगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी नियमों से अलग चलकर हम अपने जीवन को असंतुलित कर लेते हैं और बहुत सारे रोगों को दावत दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। और ये तो था आसन का अभ्यास, अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास में हमने दो प्राणायाम लेने हैं। पहला प्राणायाम
हमारा उज्जयी प्राणायाम होगा और दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन। कहा जाता है कि थायराइड एक साइलेंट किलर रोग है, मतलब कि धीरे धीरे ये हमारे शरीर में आता है और ना जाने कब बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को ये करप्ट कर देता है, मतलब कि उस ऑर्गन को इतना नुकसान पहुंचाता है कि उनमें जीवन ही बाकी नहीं रहता है। लेकिन प्राणायाम के माध्यम से हम अपने ऑर्गन्स को तो मजबूत करेंगे, साथ के साथ में अगर ये रोग हमारे अंदर मानसिक रूप से आया है तो उसको भी हम दूर करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए हम किसी भी एक ऐसी स्थिति में बैठ जाएं जो कि हमारे लिए सहज हो, क्योंकि हम ध्यान देंगे प्राणायाम पर। ऐसे में शरीर की स्थिति का सहज होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे तो सहज मुद्रा में बैठ जाएं, सहज आसन में, पद्मासन अगर हम अभ्यासी हैं तो पद्मासन में हम बैठ सकते हैं, या पालथी मारकर भी हम इस आसन में प्राणायाम को ले सकते हैं। हम करेंगे पद्मासन। पद्मासन में हम कर रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी मतलब कि कुछ ऐसी आवाज़ हम अपने कंठ से निकालेंगे जैसे कि खर्राटे लेते हुए निकालते हैं। आपने अक्सर जो बहुत खर्राटे लोग रहते हैं उनको रात में सुना होगा, वो बहुत गड़गड़ की आवाज़, जैसे कि आपने बूढ़े व्यक्ति देखे होंगे गांव में हुक्का पीते हैं, उस प्रकार की आवाज़ हमने अपने गले से निकालनी है। इस प्रकार की आवाज़ कैसी होगी, आइए अभ्यास करते हैं। हमने ध्यान मुद्रा में बैठना है। ध्यान मुद्रा, पहली उंगली जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं और अंगूठा, इन दोनों के टिप को मिलाना, मतलब कि ऊपर के पूर्व भाग को मिलाना है और सीधे बैठ जाना है। आंखें बंद रहें और ध्यान दें अपने थ्रॉट रीजन पर। गहरी श्वास लेते हुए हमने कुछ इस प्रकार के गड़गड़ाहट की आवाज़ करनी है। कुछ देर श्वास को रोक कर रखना है और जब श्वास छोड़ रहे हैं तब भी हम खर्राटे लेने की आवाज़ करें। फिर से गहरी श्वास लें। एक बार जब हम श्वास लेकर गड़गड़ाहट कर रहे हैं उसके बाद उसको रोकें, यथासंभव रोकने के बाद जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तब भी खर्राटे की आवाज आनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से। श्वास ली, रोकी और यहाँ पर हम एक बंद का भी अभ्यास कर सकते हैं। इस बंद को हम कहते हैं जालंधर बंद। जालंधर मतलब कि जाल, अपनी श्वास के ऊपर जाल का लगाना। ये जालंधर बंद इस प्रकार से किया जाता है कि जब हम श्वास ले रहे हैं उज्जयी प्राणायाम में, लेने के पश्चात थोड़ी को कंठकूप से लगाना है यथासंभव। श्वास रोकने के बाद कंठ से हमने ठोड़ी को हटाना और श्वास छोड़ते समय फिर से खर्राटे की आवाज लेना। इस प्रकार का अभ्यास, इस प्रकार का प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। उज्जयी प्राणायाम से हमारे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक तो थायराइड और पैराथायराइड। इन दोनों ही थायराइड ग्लैंड में एक प्रकार का कंपन होता है, उस कंपन से वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह पूरा होता है, साथ के साथ हार्मोन को जनरेट करने की शक्ति हमारी थायराइड ग्लैंड में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास से लाभ कमा सकते हैं। अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं, वह है नाड़ी शोधन। कहा जाता है कि हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उन 72,000 नाड़ियों से हमारी प्राणिक शक्ति, जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, वह हमारे पूरे शरीर को आनंद में और साथ के साथ स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। इन नाड़ियों का जो मुख्य तीन रूप से बताया गया है वह है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन तीनों नाड़ियों के बैलेंस को अगर हम करते हैं तो वह अभ्यास है हमारा नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को इस प्रकार से किया जाए कि हम दाएँ हाथ से ध्यान मुद्रा लगाएँ, बाएँ हाथ में रिंग फिंगर और थंब का यूज़ करना है, इन दोनों का ही हम यूज़ करेंगे, तो बीच की उंगलियों को बंद कर दें। हमने करना क्या है कि रिंग फिंगर से हमारा लेफ्ट नोस्टल लॉक हो जाएगा और राइट से हम गहरा सांस लेंगे। आंखें बंद हो जाएं, पीठ हमारी सीधी रहे, कंधों को हमने ढीला छोड़ देना है,
गहरी श्वास धीरे 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 लेते जाएं। अंगूठे से हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से श्वास छोड़ देनी है। जब लेफ्ट से पूरी श्वास छोड़ दें तब हम राइट से गहरी श्वास भरें और लेफ्ट से छोड़ दें। फिर से लेफ्ट से ली जाए और राइट से छोड़ दी जाए। ध्यान रहे, जब हम नाड़ी शोधन अभ्यास कर रहे हैं तब नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास में श्वास की आवाज दूसरों को तो क्या, खुद को भी नहीं आनी चाहिए। इतनी धीमी हमारी श्वास की आवाज हो जाए कि हम अपने श्वास के साथ में ही जुट जाएं। और इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने अपने एक सूत्र में कहा है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास संयोग और गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब कि प्राणायाम में वे प्राणायाम जो कि हमारी श्वास की गति को धीमा कर दें, धीमा करने के साथ रोक ही दें, उस प्रकार से हमारे प्राण की एनर्जी हमारे शरीर में रुकती है और रुकने के साथ हमारे बहुत से रोगों को दूर करती है। नाड़ी शोधन अभ्यास से हमारे लंग्स के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। कहें तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम नाड़ी शोधन करता है और सबसे मुख्य लाभ है इसका मानसिक तनाव को दूर करना, एंग्जाइटी को दूर करना, स्ट्रेस को दूर करना। डिप्रेशन की स्थिति अगर आती है तो डिप्रेशन में भी यह बहुत लाभकारी है। तो नाड़ी शोधन अभ्यास के साथ में भी हम थायराइड को दूर कर सकते हैं, थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं। और ये जो हमने आज अभ्यास किए हैं ये हमारे थायराइड के अभ्यास हैं। आगे की श्रृंखलाओं में हम और रोग लेंगे और उन रोगों का उपचार योग की पद्धति से सीखेंगे। लेकिन योग मज़ा है, सज़ा नहीं है। योग को मज़े के रूप में करें। जब भी हम अभ्यास कर रहे हैं तो मुक्त हमारा शरीर हो, मुक्त हमारा मन हो और विचारों की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम योग करने के लिए बैठे हैं लेकिन बहुत सारे काम हमारे सर पर लगे हुए हैं। तो योग करें और योग का लाभ उठाएं। धन्यवाद।